नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 21वां मुकाबला अबुधाबी के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े। इस मुकाबले में सुनील नारायण को ओपनिंग करने का जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। हालांकि सुनील नारायण चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, आते ही वो कुछ अच्छे हाथ दिखा रहे थे और 9 गेंदों पर 17 रन बना चुके थे, जिसमें एक चौका और एक छक्का भी था। टूर्नामेंट के दौरान सीएसके की फील्डिंग कुछ खास नहीं मानी जा रही थी। टीम ने कई मौकों पर कई आसान कैचेस ड्रॉप भी किए थे, लेकिन इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने कुछ ऐसा दिखाया जो हमने क्रिकेट की दुनिया में बेहद कम होते हुए देखा है। जी हाँ, सुनील नारायण ने कर्ण शर्मा की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला। गेंद पहली नज़र में लगा कि मिड विकेट के ऊपर से पार कर जाएगी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने ना सिर्फ ग्राउंड को कवर किया और उसके बाद फुल लेंथ डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया, लेकिन कैच लपकने के बाद वो काफ़ी तेजी से बाउंड्री लाइन की ओर सटते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने चालाकी दिखाई और लाइन में सटने से पहले ही उन्होंने गेंद को फाफ डू प्लेसिस की तरफ उछाल दिया। फाफ डू प्लेसिस ने भी आसान सा कैच लपका और सुनील नारायण की पारी का अंत हो गया। लेकिन जिस तरीके की चालाकी रविंद्र जडेजा ने फील्ड में दिखाई, उसने सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें, सुनील नारायण 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका और एक छक्का लगाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।